आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यों 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। जो मैं रीजन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, सिर्फ इसी रीजन के चलते 99% स्टार्टअप इवन उससे भी ज्यादा फेल कर जाते हैं अपने फर्स्ट ईयर में ही। एंड जो मैं रीजन आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ स्टार्टअप पे एप्लीकेबल नहीं है, आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर आप कोई अपना छोटा नया बिजनेस ही क्यों नहीं स्टार्ट करने जा रहे हो, आपका बिजनेस फेल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के चलते। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि करने वाले इस रीजन की स्टडी, आप कैसे बच सकते हैं ऐसा गलती करने से इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। तो जो भी करें उसको साइड में रखें, फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं कलाम एकेडमी। एंड आपने सुना होगा कि 99% स्टार्टअप जो है अपने फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कड़वा सच है, बहुत ही आपको बिटर ट्रुथ है कि 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेस मैन है, बहुत पैशनेट होता है अपना काम के लिए, बहुत हार्ड वर्क करके बहुत प्लानिंग के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी 99% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ एंड बिजनेसमैन के साथ काम किया अपने करियर में, एंड सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करने के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं अपने बिगेस्ट राइवल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है एंड अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ आप कंपेयर करने लगे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर ये बड़े बड़े कंपनीज के साथ, तो डेफिनेटली वहां पे आपको लगेगा कि आपको फ्लिपकार्ट इतना ऑर्डर नहीं आ रहा, या अमेजन जितना बड़ा बिजनेस करी उतना बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पा रहे हो। एंड ऐसा जब होगा तो आपके ऊपर बिल्ड होगा एक मेंटल प्रेशर जो कि बिना मतलब का है, एंड धीरे धीरे जो है आपका परफॉर्मेंस कम होगा। कहने का क्या मतलब, लोग बिजनेस जस्ट स्टार्ट करते हैं एंड खुद को कंपेयर करने लगेंगे अपने बिगेस्ट कंपटीटर से कि मुझे फ्लिपकार्ट इतना ऑर्डर नहीं आ रहा, मुझे अमेजन इतना ऑर्डर नहीं आ रहा, मुझे बिग बास्केट इतना ऑर्डर नहीं आ रहा, मुझे ग्रोफर्स इतना ऑर्डर नहीं आ रहा। या फिर सेम चीज़ अगर आपको यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, आप यूट्यूबर हो, तो वहां पे आप कंपेयर करने लगोगे अपने आप को वेल एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर से कि भाई मेरा तो यूट्यूब चैनल पे व्यू ही नहीं आ रहा, मुझे सब्सक्राइबर नए नहीं मिल रहे हैं, ऐसे करके। तो डेफिनेटली वहां पे आपको मेंटल प्रेशर बिल्ड होगा खुद पे कि हाँ भाई मेरा चैनल परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। देखिए, जो भी आप स्टार्टअप्स या जो भी बिजनेस से खुद को कंपेयर कर रहे हो, अगर आपको कंपेयर करना भी है तो उनके फर्स्ट मंथ से अपने आप को कंपेयर कीजिए। फ्लिपकार्ट को फर्स्ट मंथ में कितना ऑर्डर आया था, लेट से मान के चलते फ्लिपकार्ट को फर्स्ट मंथ में 50 ऑर्डर आए थे एंड आपको अपने बिजनेस के फर्स्ट मंथ में 10 ऑर्डर आए हैं, तो आप फ्लिपकार्ट से केवल 5 टाइम्स पीछे हो, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। देखिए, आपका बिजनेस तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपका परफॉर्मेंस फिर कम हो जाता है जब अपने आप को आप कंपेयर करोगे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से एंड वो भी उनका करेंट सिचुएशन से आपका स्टार्टअप को, तो उस केस में आप पे मेंटल प्रेशर बिल्ड होगा और उस मेंटल प्रेशर के कारण जो आप अच्छा काम भी कर सकते थे अच्छा परफॉर्म खुद को नहीं कर पाओगे। देखिए, होता क्या है ना, मान के चलिए कि आप मार्केट घूमने गए, आपने कोई रेस्टोरेंट देखा, यहाँ तो बहुत भीड़ आ रही है, रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, या फिर आप मार्केट गए देखे, आपने कोई फोरूम देखा आपने कि भाई ये फोरूम पे तो बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ का मालिक कितना अर्न करता होगा, ऐसे ऐसी चीज़ें आपकी दिमाग में आती है। लेकिन जो भी आप ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस देख रहे हो वो उनके जनरेशंस की मेहनत है। आप जो ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे हो या फिर आप कोई ऐसा जो शॉप देख रहे हो वो उनका सेकेंड या थर्ड जनरेशन का आउटपुट है जो आप देख रहे हो। सेम चीज स्टार्टअप में भी होता है, जो आप स्टार्टअप अभी देख रहे हो वो उनके 10 साल के कंटिन्यूअस मेहनत का रिजल्ट है। इस केस में अगर आप अपने आप को खुद को कंपेयर करने लगोगे ऐसे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो वो बेवकूफी ही है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ये चीज लिख के ले लीजिए, पेफिन फीस देखिए, पेफिन जहां लूज करोगे तो आप पे प्रेफर बिल्ड होगा एंड उस प्रेफर के चलते आप परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। वीडियो को समअप कर देते हैं तो 99% स्टार्टअप फेल होते हैं, 99% बिजनेस या बिजनेस ऑनर फेल होते हैं सिर्फ इस रीजन के चलते, लाइक स्टार्ट करते के साथ खुद को कंपेयर करने लगे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से, एंड जितना रिजल्ट वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को आ रहा है उतना तो आपको आना नहीं है। एंड ऐसा जब नहीं होगा तो बिल्ड होगा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, जो चलते आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, अपनी टीम को फ्रस्ट्रेट कर दोगे, आपका टीम भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी। इसे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि अपने आप को अगर कंपेयर
कंपेयर करना भी है तो उन वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के फर्स्ट मंथ पे कंपेयर कीजिए, फर्स्ट डे पे कंपेयर कीजिए कि पहला दिन उनका कैसा था, पहला महीना उनका कैसा था, फर्स्ट क्वार्टर उनके बिजनेस का कैसा पार हुआ था। होपफुली फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जो आपको लगता है ऐसा गलती कर रहा है या कर सकता है तो वीडियो तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दिया, ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट अपने बिजनेस के अराउंड देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए।